रोहित मोबाइल की नई पेशकश बजाज SDB TVS कार्ड बिल्कुल फ्री में बनवाए, थोक रेट में मोबाइल उपलब्ध, 0% फाइनेंस सुविधा के साथ आज ही संपर्क करें। छतरपुर विधानसभा क्षेत्र के बसपा के प्रत्याशी नीलमणि सह ने पूर्व CM कमलनाथ को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बागेश्वर बाबा की कथा के बाद ही कमलनाथ का दिमाग घूमा और छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी की टिकट क्लियर कर दी, जबकि उसके पहले कमलनाथ ने उनको टिकट दिए जाने की बात कही थी। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बसपा में शामिल हुई नीलमणि सह ने यह भी कहा कि छतरपुर विधायक बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र महाराज के खास हैं। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले कमलनाथ ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा आयोजित करवाई थी। हुआ क्या, कमलनाथ जी तो मेरे को टिकट देने के लिए बिल्कुल तैयार थे। अभी कुछ समय पहले विधायक जी के इधर टूर्नामेंट हुआ था विधायक जी के यहाँ पे, तो वहाँ भाजपा समर्थक का सभी का सम्मान हुआ था। मुझे कोई ऐसे कांग्रेसी नहीं देखे जहाँ कोई सम्मान हुआ हो, केवल भाजपा समर्थकों का सम्मान हुआ। वो शिकायत कमलनाथ जी के पास पहुँची, मैं भी पज्जन जी के साथ गया था कमलनाथ जी के पास। कमलनाथ जी बोले पज्जन जी जल्दी करो जल्दी, बोले कहा कह रहे साहब आप, बोले मैंने सुना आप भाजपा में जाने वाले हैं, बोले जाने को कह दिया था आपसे कि हम भाजपा में जाने वाले हैं, ऐसे ही कह दू करा था। तो ये बात चली वहाँ से, फिर विकल्प ढूंढा कमलनाथ जी ने, विकल्प ढूंढा कि छतरपुर में कौन विकल्प है, ये तो भाजपा में जा रहे हैं ठीक। तो वहाँ ऑफिस से कुछ लोग मेरे पास पहुँचाए और विकल्प के रूप में उनने हमसे कहा बब्बू राजा उतर जाओ मैदान में। मैंने लिखाई पढ़ाई की और पूरे मैदान में दमखम से उतर गया मैं, और मुझे पूर्ण विश्वास था कि अब कमलनाथ जी टिकट मुझे ही देंगे। इसके बाद एक कथा हुई कमलनाथ जी के यहाँ पे बागेश्वर धाम जी, कमलनाथ जी के इधर पहुँचे और वो मैनेज करके ले गए पज्जन भैया, दीक्षित जी और नाती राजा, तीनों जन गए। इनसे विनती की, इनके पास समय भी नहीं था, मगर इनने 3 दिन का समय लिया कि मुझे महाराज 3 दिन का समय चाहिए ही है, कमलनाथ जी के इधर पे कथा होना है। तो ये लेके गए कथा पे। कथा में जो टेंट वगैरह लगे थे, पत्रकार वगैरह जो थे, खाना पीना जो हुआ वहाँ पे, सब इनने मैनेज किया, 2-4 करोड़ जितना भी लगा हो, और उसी में कमलनाथ जी का दिमाग घूमा और जो कह रहे थे बब्बू राजा हम आपको टिकट देंगे सर्वे में आओगे, मैं सर्वे में भी अच्छा गया, उसके बाद भी उनने टिकट मुझे देने से इनकार किया। और उनने ये कहा सिटिंग विधायक की कैसे टिकट काटें, अब जब ऐसे ही सिटिंग विधायक चलता रहेगा तो फिर हम लोगों को तो कहीं चांस मिलना नहीं है। तो हमने भी सोचा कि अब कुछ देखो बागेश्वर महाराज ने कैसे मति पलटी, इसमें कैसे सिद्ध होगा। अब बागेश्वर धाम को ये मना के ले गए बागेश्वर धाम ने कथा की, तो अपने आप उनकी आपका नाम बदल, अपने आप उनने कह दिया जी तीनों सही हैं, सिटिंग विधायक हैं, अब इनको टिकट देना ही है। क्या लग रहा है कांग्रेस में बाबा इन्वॉल्व है क्या? नहीं कांग्रेस में तो इन्वॉल्व नहीं है, वो भाजपा वाले भी बुलाते हैं तो वो वहाँ भी कथा करते हैं, कांग्रेस वाले बुलाते हैं तो वो वहाँ भी कथा करते हैं। एक बात जरूर है, वो पज्जन के बहुत खास है, पज्जन भैया के बहुत खास हैं, बागेश्वर धाम के बाबा जी पज्जन के बहुत खास हैं, वो जो कहते हैं उसमें वो काफ़ी बात मानते हैं उनकी, और यही कारण है अगर वो वहाँ कथा नहीं होती है तो हम लोगों की टिकट नहीं कटते, मुझे इतना विश्वास है। छतरपुर से राहुल माली, सागर TV न्यूज। रोहित मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सभी कंपनियों के मोबाइल, TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मिक्सी, सभी प्रकार की मोबाइल एसेसरीज एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारा पता है रामप्याव के पास, बड़ा बाजार, सागर। फोन नंबर है 9009205959, 8818158811।